पंजाब हुकूमत ने कल तमाम स्कूल और कॉलेजेस बंद करने का ऐलान कर दिया है। महकमे तालीम कहते हैं कि तमाम सरकारी स्कूल और कॉलेजेस अमन अमान की सूरत हाल को देखते हुए बंद किए गए। बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक से। इमरान मलिक, अभी हतमी फैसला सामने आ चुका है कि कल स्कूल और कॉलेजेस बंद होंगे? बिल्कुल, आज जो स्कूल एजुकेशन है गुलाम फरीद, उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बाकायदा उनका ये कहना है कि कंजेशन की वजह से जो है वो तमाम सूबाई दारकूमत में काफी मसले मसाइल आ रहे हैं और अमन अमान की सूरत हाल भी कुछ ठीक नहीं है। इस वाले से तमाम जितने भी पब्लिक और प्राइवेट मैनेज स्कूल हैं, जो उनको 1 नवंबर को बंद रखने का ऐलान किया जा रहा है। नोटिफिकेशन उन्होंने बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। उनके डिप्टी सेक्रेटरी अकेडमिक जो है मोहम्मद फरूक, उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया है और तमाम जितने भी अजला हैं पंजाब के 36 अजला, वहाँ पर ये नोटिफिकेशन की कापीज जो है वजरी अफेक्ट जो है मोस्ट अर्जेंट करके भिजवा दी गई है। कल जो है शहर लाहौर के तमाम तक जो स्कूल है वो बंद रहेंगे। इस वाले से हतमी फैसला कर लिया गया पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, और ये फैसला जो है वो ट्रैफिक जो 41 पॉइंट है शहर लाहौर में जो चौक हुए रहे आज ट्रैफिक की वजह से, उनकी वजह से किया गया, और तमाम तक जितने भी सरकारी व निजी स्कूल है वो कल बंद रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका इमरान मलिक।